गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 1 मई और 2 मई डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो चलें चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज हम 1 मई और 2 मई दोनों का करंट अफेयर एक ही दिन पढ़ाएंगे। तो चलें चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा? तो ये है भारत में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसी दिन प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी इसी दिन प्रधानमंत्री ने। तो इसी के उपलक्ष्य में 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें हमारा हरियाणा सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है। हरियाणा में ही ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है और हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत भी कहाँ शुरू हुई है? तो ये हरियाणा में शुरू हुई है। मेरा पानी मेरी बरसात योजना ये भी हरियाणा में चालू हुई है। सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भी हरियाणा के अंदर हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा यहाँ की कौन सी है? तो हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी यहाँ की भाषा है। यहाँ इसका गठन, हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा सरकार में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और यहाँ की विधानसभा 1 सदनीय है। यहाँ की विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 सीटें हैं। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो संयुक्त उच्च न्यायालय है। कहाँ का है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उच्च न्यायालय एक ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR परीक्षणों की कीमतों को 1700 रुपये से घटाकर 500 रुपये की है? तो इसमें केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा केरल। केरल सरकार ने जो COVID-19 परीक्षण के है, PCR परीक्षण है, 1700 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिए हैं। तो केरल में प्रोजेक्ट के फोन प्लान लॉन्च किया गया है। तिरंगा पहल भी केरल में शुरू हुई थी। ठीक है, COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट योजना भी कहाँ शुरू हुई? तो ये भी केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में शुरू हुई थी। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। लोकसभा सीटें 20 हैं, राज्यसभा की सीटें 9 और विधानसभा की 140 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अन्नामुड़ाई 16, एर्नाकुलम, कठिमकट्टम, पावादून, पेरियार और साइलेंट वैली यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश विदेशी रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित करेगा? रूस, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा रूस। रूस और भारत के विदेश मंत्री के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो रूस में और कौन किया गया, क्या योजना चल रही है? तो यहाँ इंदिरा एक्सप्रेस योजना शुरू हुई है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ बैकाल झील भी है। कहाँ है? तो ये रूस में है। यहाँ ओरल के पहाड़ भी हैं। कहाँ? तो ये रूस में ओरल के पहाड़ भी पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं दमित्री मेदवेदेव। उच्च सदन को संघीय परिषद कहा जाता है, निम्न सदन को सीनेट या डूमा कहा जाता है। ठीक है, रूस में हाल ही में सोलिस सोराबजी का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे एक लेखक थे, वैज्ञानिक, अटॉर्नी जनरल या इनमें से कोई नहीं। तो वे एक अटॉर्नी जनरल थे। कौन थे? अटॉर्नी जनरल थे। ये कब से कब तक इनका कार्यकाल था? तो 1998 से 2004 के बीच में ये अटॉर्नी जनरल हमारे यहाँ थे। ठीक है,
दो 1998 से 2004 के बीच में ये थे सोली सराबली, ठीक है। सोली सराब जी ये हैं, ये 1998 से 2004 तक हमारे अटॉर्नी जनरल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? जापान, पोलैंड, इजराइल, कनाडा। तो इसमें हमारा पोलैंड सही हो जाएगा। पोलैंड देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है? रक्षा मंत्रालय, आईटीआई खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, डीआरडीओ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर में एकल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किए हैं, ठीक है। ये ब्लेड जो है ये किसी भी मौसम में चल सकते हैं। तो इसकी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। संस्थापक अविनाश चंद्र, मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली, ओके, डीआरडीओ भवन नई दिल्ली। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, ठीक है। कौन है इसका चेयरपर्सन? तो चेयरपर्सन इनके हैं जी सतीश रेड्डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंस का निधन हुआ? वह कहाँ के थे? अमेरिका, चीन, जापान, भारत। तो ये अमेरिका के थे। ये एस्ट्रोनॉट पायलट हैं, माइकल कॉलिंस का निधन हो गया, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये अपोलो 11 के पायलट थे, ठीक है। जो अपोलो मिशन गया था उसके अपोलो 11 के ये पायलट थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देख लेते हैं अमेरिका बारे में। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट या आयकर क्षेत्र, इसकी राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी है। फेडरल प्रेसिडेंट रिपब्लिकन, राष्ट्रपति इसके जो बिडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, विधायिका यहाँ की कांग्रेस है, विधायिका यहाँ की कांग्रेस है। ऊपरी सदन को सीनेट बोलते हैं, निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। आज़ादी ब्रिटेन से इन्हें कब मिली थी? तो घोषणा 4 जुलाई 1776। और संविधान यहाँ कब लागू हुआ था? तो 21 जून 1788 में यहाँ संविधान लागू हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ शुरू किया गया है? पोलैंड, इसराइल, पुर्तगाल, कनाडा। तो ये पुर्तगाल में शुरू किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पुर्तगाल में शुरू किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। मध्य प्रदेश में ही कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना चल रही है। जीवन शक्ति योजना, मास्क में महिलाएं बनाएंगी, 11 रुपये की तरफ से मास्क को बेचेंगी। एक जिला एक शिल्प योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। संकल्प योजना उमरिया जिले के में बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू की गई है, ठीक है। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में सीटें 29 हैं, राज्यसभा में सीटें 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव, कान्हा, जीवाश्म, दिनसौर जीवाश्म, बांधवगढ़, इंदिरा प्रदर्शनी एवं पेंच, यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने किसे केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय सेठ, टी टी सोमनाथन, सुधा मित्तल, विमला कपूर। तो इसमें अजय सेठ जो हैं आरबीआई के केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। टी टी सोमनाथन को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विमला कपूर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में घोषित की गई हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन के लिए भूटान और नागालैंड के 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेघालय, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा। इसमें असम हमारा सही हो जाएगा। असम में ही पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत हुई है। अरुणोडोई नामक योजना भी शुरू हुई है। कहाँ? असम में। धनवंतरी योजना भी शुरू हुई है असम के अंदर। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया है? तो ये भी असम में देखा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा में सीटें 14 हैं, राज्यसभा में सीटें 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कौन कौन से हैं? जो डिब्रूगढ़, साईखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? तो पंजाब, हरियाणा,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो इसमें हरियाणा हमारा सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के लिए उत्थान के लिए हरिहर नीति जो है उसको मंजूरी दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है? जनता लघु वित्त बैंक, शिवालिक लघु वित्त बैंक, सारस्वत लघु वित्त बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें शिवालिक लघु बैंक हमारा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड एसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा रविंद्र जडेजा को स्पोर्ट ब्रांड्स एसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाए, किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस बी, सी और सिफिलिस जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए एक मल्टी स्क्रीनिंग टेस्ट सिस्टम शुरू किया है? अमेरिका, रूस, कनाडा, ब्राज़ील? तो इसमें रूस जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रूस हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो हमारा इसमें सही कौन सा है? इसमें हमारा सही हो जाएगा रूस। ओके, रूस जो है, रूस ने ये HIV एवं हेपेटाइटिस, सिफिलिस और बीमारियों जैसे लगने वाले मल्टी स्क्रीनिंग टेस्ट सिस्टम को शुरू किया है। किसने? तो ये रूस ने शुरू किया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने गृह ब्याज दरों को कम कर दिया है? SBI बैंक, HDFC बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा SBI बैंक। SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है मुख्यालय इसका? कहाँ है? तो मुख्यालय इसका है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन कौन थे? तो दिनेश कुमार खारा जी इसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, चेयरपर्सन या अध्यक्ष। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन? तो इसमें हमारा ब्रिटेन सही हो जाएगा। ब्रिटेन ने अपने यहाँ सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में KV आनंद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे पत्रकार थे, निदेशक थे, अभिनेता थे, राजनेता थे? तो ये क्या थे? ये एक निर्देशक थे, ये एक तमिल फिल्म के निर्देशक हैं, तमिल निर्देशक हैं। इनका निधन हो गया। ठीक है, कौन है ये? KV आनंद जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस IIT में मौजूद नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिया है? किस IIT ने मौजूद नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिया है? तो ये IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली? तो ये IIT बॉम्बे जो है, इसने अपने यहाँ जो नाइट्रोजन प्लांट था को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिया है। इससे 95% शुद्ध ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन, इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। ठीक है, 95% शुद्ध ऑक्सीजन उत्पन्न होगी इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई है? 80, 100, 120, 140? तो 140% की वृद्धि हुई है, 140% की वृद्धि हुई है 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की कितने % बिक्री हुई है? तो 140% की अधिक बिक्री हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने यूजर्स की टाइमलाइन परफेक्ट बॉक्स सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हमारा ट्विटर सही हो जाएगा। ट्विटर कंपनी के यूजर्स की टाइमलाइन पर फैक्ट बॉक्स सुविधा उपलब्ध करने की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लोग बी ओमेर में 44 लोगों की मृत्यु हुई है? तो इसमें कनाडा, ब्राज़ील, इजराइल, रूस? तो ये इजराइल में हुआ है। इजराइल की धार्मिक उत्सव लोग बी ओमेर में 144 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ? तो ये इसराइल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? मैत्री पहल, समुद्र मैत्री पहल, समुद्र सेतु द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा समुद्र सेतु द्वितीय। ठीक है, समुद्र सेतु द्वितीय भारतीय नौसेना
ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के यानबू बंदरगाह को विस्फोट से भरे ड्रोन से लक्षित किया गया है? तो इजराइल, श्रीलंका, सऊदी अरब या साउथ अफ्रीका? तो ये सऊदी अरब इसमें हमारा सही हो जाएगा। सऊदी अरब के यानबू बंदरगाह को विस्फोट से भरे ड्रोन से लक्षित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।